सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्रेयस्त्री ब्लॉग्स। तो आज का जो ब्लॉग है वो भी एक टैब के ऊपर होने वाला है, और ये वही टैब है जिसकी मैंने पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग की थी। तो आज मैं इस टैबलेट के बारे में आपको बताऊंगा कुछ कि मैंने इसको पहले बाय किया, उसके बाद सडनली मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं एक रैप कर लूँ, तो जिससे इस पर पीछे स्क्रैचेज ना आए, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पीछे रैप कर लिया। बट मुझे तब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, तो मैंने कुछ इस तरह का रैप किया है जो कि जैसे कि आप हर एक एंगल से देखेंगे तो आपको अलग अलग इसके पैटर्न दिखेंगे, और इस तरह से देख सकते हैं आप, और इस तरह से पूरा मतलब ये टैबलेट है, और ये रहा इसका कैमरा, और सामने से कुछ इस तरह का है। तो उसका भी ग्लास मैंने नहीं लगाया, तो अभी इसका ग्लास मैंने ऑर्डर करवाया, तो देखते हैं कब तक आता है वो, जब भी आएगा तब इसको भी इंस्टॉल कर दूंगा मैं। तो इस तरह से दिख रहा है, और ये टैब का जो रैप है ये बहुत ही मतलब स्टिकी रैप है, मतलब आराम से छूटेगा नहीं इससे, और इससे नंबर वन एक फ़ायदा होगा कि इस पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। वैसे तो ये मेटलिक का कुछ फिनिश का बना हुआ है, तो इसके ऊपर वैसे भी स्क्रैचेस नहीं आने वाले, बट फिर भी मैंने इसकी जस्ट प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए पीछे इसको बैक में लगा दी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ इसके लिए बैक कवर भी अवेलेबल नहीं है, और मैंने भी ऑर्डर करवाया, तो देखते हैं कब तक आता है। और इस तरह से दिख रहा है ये, और बड़ा अच्छा रैप लगा मुझे पर्सनली, और मैंने इसको खुद ही किया अपने हाथों से। तो जब मैं इसको रैप को कर रहा था मुझे याद नहीं रही कि मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं आपको भी दिखा रहा हूं कि इस तरह से रैप किया है। तो इसका कुछ रैप का ये मेरे पास कुछ टुकड़ा बचा हुआ है, जिससे जो मैंने एक फ़ोन अपनी मम्मी का मैंने फ़ोन भी रैप किया इससे, तो इस तरह का रैप है ये, देख सकते हैं आप। यहाँ से इसको पतली सी एक फिल्म लगी हुई है, जिसको अगर जैसे आप पील ऑफ करेंगे तो आप सडन मतलब सीधा ही आप इसके ऊपर रैप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दिखता है ये पीछे इसकी कुछ ग्लॉसी सी फिनिश है, जब इसको आप पील ऑफ करेंगे तो वहाँ जहाँ आप इसको स्टिक करना चाहते हैं वहाँ आराम से कर सकते हैं। बट आपको इसको स्टिक करते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन ये कि आपको सबसे पहले इसको जैसे आप जहाँ से आपको अप्लाई करना है आपको बस थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ से मतलब थोड़ा सा निकाला आपने, और जस्ट आपको अप्लाई करना है सरफेस के ऊपर, उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से पीछे से खींचते रहना है इसको, और आपको अपने थंब से या फिर उंगलियों फिंगर से आपको जस्ट इसको पीछे से आगे से प्रेस करना है, जहाँ से आपको सरफेस पर आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं आपको इसको प्रेस करते रहने, उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, और अगर बबल आ गए तो फिर वो बेकार लगेगा, बहुत ही भद्दा लिखेगा वो। तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें। तो अभी तो मैं टैब के बारे में आपको बता नहीं पाया कि टैब पे मैंने कैसे किस तरह से किया, क्योंकि मैंने इसको रैप कर दिया और मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो मैं देखता हूँ कुछ ऐसा सरफेस जिसके ऊपर मैं इसको मतलब अप्लाई करके आपको दिखा सकूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपको पता लग सके कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज मेरे पास ये अडेप्टर है, चार्जर अडेप्टर, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके ऊपर मैं रैप करूँ। तो आप सोचेंगे कि इसके ऊपर तो पहले से रैप है, हाँ इसके ऊपर पहले से रैप किया था मैंने, इसको अप्रॉक्स 1 ईयर हो चुका है, तो मैं ये जगह जगह से छूट भी रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल छूट चुका है, तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं निकाल दूंगा, और जो ये वाला रैप मेरे पास बचा हुआ है इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, फिर देखते हैं कि कैसा ऐसा लगता है, और आपको एक तरह से एग्जांपल मिल जाएगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना। तो इसको जो आपको अप्लाई करने के लिए चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए तो आपको एक लाइटर चाहिए होगा, तो इसे आपको एक इसे आपको क्या करना है, तो इससे आपको ये करना है कि जैसे कि आप जो अपना रैप है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसको हीट करना है, जैसे जैसे आप इसको आप हीट करते रहेंगे तो अच्छे से मतलब बैठ जाएगा इसका जो गम है वो, अच्छे से इसके ऊपर ऐसे इस तरह से लग जाएगा कि बाद में आराम से नहीं छूटेगा और बिल्कुल अच्छे से लगेगा। और जब मैंने इसके ऊपर चार्जर के ऊपर अडेप्टर के ऊपर जो मैंने अप्लाई किया था रैप, तो मैंने इसके ऊपर भी जस्ट हीट दे के ही इसको अच्छे से फिंगर से प्रेस करके इसको आगे से धकेल के पूरा रैप किया था, तो बहुत ही अच्छे से फिनिश आ गई थी इसमें। तो मैं भी इसके ऊपर अभी जस्ट वैसे अप्लाई करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो उसका जो रैप है इसको निकाल लेता हूँ, और आप देख पाएंगे अच्छे से कि जहाँ जो मैंने रैप किया था, जहाँ से मैंने जो ये रैप हटाया, ये वाला टुकड़ा जो हटाया, वहाँ पे तो वाइट अच्छे से फिनिश है, क्योंकि जब मैंने इसको बाय किया था अपने मोबाइल को तभी मैंने इस चार्जर के अडैप्टर के ऊपर इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया था रैप, तो जहाँ जहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था वहाँ तो वाइटनिंग दिख रही होगी आपको, और जहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे हल्का सा आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हल्का सा आपको ब्लैक टाइप दिखेगा, तो ये जस्ट टाइम के साथ इसके ऊपर डर्ट बैठ गई है, तो उसको हम अच्छे से साफ कर क्लीन करके लेंगे, नहीं तो अच्छे से डर्ट के ऊपर अगर हम सीधा अप्लाई कर देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा इसको लगाने का। तो अभी निकाल देते हैं इसको, वैसे छूटने तो ये भी नहीं वाला, बट जहाँ जहाँ से हटा है वहाँ वहाँ से छूट गया ये, जैसे यहाँ से बिल्कुल छूट चुका है, तो हम इसको पूरे को निकाल के लेंगे। तो टाइम लैप्स लगाता हूँ मैं, तब तक आप देखिए कि कैसे निकालता हूँ। तो गाइस अभी मैंने पूरा रैप इस पे से हटा दिया, बिल्कुल पूरी तरह से अभी पूरा जैसा पहले से था वैसा हो चुका है, और बहुत ही जैसे अब लग रहा है जैसे कि अभी मैंने नया चार्जर बाय किया है, बट ये इसको 1 ईयर हो चुका है। और आप देखते होंगे कि आपके पास नॉर्मली जो भी अडेप्टर होते होंगे आपके पास घर में, वो बहुत ही टाइम के साथ ब्लैक टाइप के हो जाते हैं,
और उनका जो कलर है वो फेड हो जाता है, तो जस्ट डर्ट के कारण होता है ऐसा, जो धूल मिट्टी वगैरह लगी रहती है उसके कारण। तो देखिए जहाँ जहाँ मतलब रैप थोड़ा बहुत हट चुका था वहाँ वहाँ तो आपको स्टेन्स दिख जाएंगे, जैसे कि ये वाला एरिया और ये वाला थोड़ा सा ये वाला एरिया, और बाकी यहाँ से मैंने पूरा रैप कर रखा तो यहाँ से बिल्कुल ठीक है, ये सिक्योर है पूरा। और अब इसके ऊपर हम रैप करेंगे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने इसके लिए जो है इसके लिए पीसीस काट लिए हैं अडेप्टर में लगाने के लिए, तो अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो गाइज मैंने अभी इसके ऊपर इसको स्टिक कर दिया अच्छे से, और अभी लग चुका है। और जिसका साइड का जो बचा है इसको हम नीचे की ओर प्रेस करके इसको भी हम फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको हम इस ब्लेड से काट देंगे, तो देखते हैं फिर। तो मैंने इसको भी लाइटर से यहाँ से हीट कर करके इसको जस्ट नीचे की तरफ प्रेस कर करके इसको पूरा से बिठा दिया अच्छे से। तो आपको इसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, नंबर वन ये करना पड़ेगा कि आपको पहले सबसे पहले जो भी आपका सरफेस जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको पहले अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। मैंने इसको अच्छे से सैनिटाइजर से अच्छे से क्लीन कर लिया है, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करें। और अप्लाई करने से पहले पहले आप इस पर आराम से अप्लाई करें, और जहाँ जहाँ से आप अप्लाई करें वहाँ वहाँ से इसको फिंगर से साथ साथ में प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बबल्स ना आए। और आप इसको हीटर से सॉरी जिस भी जिस किसी भी जैसे हीटर से हो गया कोई भी हीटिंग ऐसा कोई चीज़ जिससे कि आप इसको गर्म कर सकें और बाद में इसको नीचे की तरफ गिरा दें, तो फिर ये अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद जो एक्सेस आपके पास बच जाएगा उसको आप एक फाइन ब्लेड से अच्छे से काट दें, और ब्लेड का यूज़ करते वक्त आप बिल्कुल सावधान रहें, आपके हाथ में भी लग सकता है, आराम से करें। और हो सके तो आप स्टेशनरी वाला ही कटर यूज़ करें, जो कि बेसिकली जो होता है ये वाला होता है, इसको आप यूज़ करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आप प्रिकॉशंस पूरी अच्छी तरह से लें, और ब्लेड का इस्तेमाल अच्छे से यूज़ करें ताकि आपके फिंगर वगैरह ना कटे, और जो एक्सेस है उसको आप काट दें आराम से, और बहुत ही सावधानी से काटें जिससे कि आपको भी कोई नुकसान ना हो और आपका जो अडेप्टर है उसको भी कुछ ज़्यादा भी आपको हार्ड प्रेस नहीं करना, जैसे कि आपके अडेप्टर के ऊपर स्क्रैचेज आ जाएँ। तो बहुत ही आराम से आपको बहुत ही जेंटली इसके ऊपर ब्लेड आपको ऐसे बिल्कुल आराम से ग्लाइड करना है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। पहले मैं इसको काटता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैंने इसके ऊपर इसको अप्लाई करके इसको एक्स्ट्रा जो था उसको भी काट लिया है, तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये अच्छी फिनिश के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि आप इसको अप्लाई करें तो थोड़ा थोड़ा बीच में ना इसको ऐसे निकाल दीजिए बाहर को थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि जब आप यहाँ से भी रैप लगाएं तो उसके बीच में अंदर आ जाए, और फिर बाद में ये निकलेगा नहीं ऊपर से। नहीं तो अगर आप इसको ऊपर से काट देंगे डायरेक्टली यहाँ से काट देंगे ब्लेड से, तो यहाँ से फिर उखड़ने के चांसेस बन सकते हैं। और ऐसे यूज़ करें, और जब भी आप रैप यूज़ करें तो आप मेक श्योर कि आप अपना फ़ैन जो हो या फिर फैन वगैरह लगाते हो अंदर, तो आप उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो कोई भी डस्ट पार्टिकल उड़ के आपके रैप के नीचे आकर के बबल का रूप ले सकता है, और बबल बन जाएगा फिर बहुत ही भद्दा दिखेगा, तो आपको फैन बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और अभी मैं सेम जैसे मैंने यहाँ अप्लाई किया वहाँ मैं यहाँ भी अप्लाई करके लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। गाइज आपको क्या करना है, अभी मैंने इसको निकाल लिया है, आधा तो मैंने अभी रैप निकाल रखा है जहाँ से आपको ये चमक दिख रही होगी जैसे साइन मार रहा पार्ट, तो यहाँ से मैंने अभी रैप निकाल लिया और इसकी फिल्म मैंने ये पकड़ी हुई अपनी फिंगर्स के पास। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको इसको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको साथ साथ में यहाँ पे अप्लाई करना है, और साथ साथ में अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको उसको पीछे पीछे खींचते रहना है, जिससे कि बबल नहीं आएगा और ना ही कोई डर्ट अंदर जाएगी। जैसे अगर आप इसको पूरी एक ही बार में निकाल देंगे तो उसके बाद जो क्या होगा कि आपकी जो फिंगर में थोड़ी बहुत डर्ट लगी होगी वो इस पर चिपक के जब आप इसको अप्लाई कर बैठेंगे पूरा अच्छी तरह से, तो आपका जो हाथ में जो डर्ट लगी होगी वो यहाँ चिपक के बबल बन जाएगी, तो उससे उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको बस इसको इसका इस्तेमाल करते हुए इसको अप्लाई करना है, और जहां आपको लगे कि सलवट वगैरह आ रही है, जहां आपको लगे कि बहुत ही अजीब सा हो रहा है, तो अब वहां आप हीट का इस्तेमाल यानी कि लाइटर का इस्तेमाल करके आप इसको हीट दें और फिर ठीक हो जाएगा। तो मैं इसको अप्लाई करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो गाइज आधे से ज्यादा पार्ट में भी कवर कर चुका हूं रैप करके, अब बस इतना सा पार्ट बचा है। अब इस पार्ट को जैसे मैं रैप कर दूंगा तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका फाइनल लुक आपको चेक कराऊंगा। अभी तक तो इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह का दिख रहा है, सॉरी ये देखिए आप करते हैं इसको। सो गाइज बड़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार इसका फाइनल लुक आ ही गया, तो इस तरह से आ रहा है। और मैंने सामने भी कर दिया रैप इसको, अब बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता हो, क्योंकि यहाँ वाइट रह जाता तो अकेला तो बहुत अजीब लगता, इसलिए मैंने पूरे में रैप रैप कर दिया। और कुछ इस तरह का इसका फाइनल लुक आ रहा है, ये देखिए आप इस तरह से लग रहा है पूरा, और बहुत ही अच्छी तरह से रैप हो पाया इसमें। मैंने सोचा नहीं था कितना अच्छा हो पाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ ना एक कर्व जैसा दे रखा है चार्जर में इन्होंने, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अच्छे से मतलब जो यहाँ पे अच्छे से मतलब टिकेगा नहीं रैप, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ लग गया जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से, और लग रहा है कि जैसे कि एक ही बारी में मतलब जैसे इसका कलर ही ऐसा है, और बहुत अच्छी फिनिश है इसकी, दूर से मार्बल जैसी लग रही है। और इसी तरह का सेम मैंने आपको अभी अपना टैब बताया, ये वाला टैब, तो इस तरह से अब इसका जो चार्जर था ये मेरे मोबाइल का है अभी, इसका सेम हो गया। तो मैं जनरली इसी को ही यूज़ करूँगा इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि जो इन्होंने दे रखा है मेरे चार्जर वो बहुत ही कम वाट का है, और उससे बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स 3 या 4 घंटे लग जाते हैं आराम से पूरा 0 to 100 चार्ज होने में, और ये थोड़ा 18 वाट का चार्जर थोड़ा सा तो फास्ट होगा ही।
ये वाला चार्जर मेरे को अच्छा लगा, तो क्योंकि मेरे मोबाइल के साथ मिला था, तो इसमें मैं अपना मोबाइल भी चार्ज कर पाऊंगा और साथ में अपना टैबलेट भी चार्ज कर पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कैसे ही मज़ेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कृपया करके आप प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो आप लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरह से आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे ना आप इसको अलग अलग जगह अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो बहुत ही अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं आपको, और जो इस पर कुछ खास नहीं दिखेगा आपको, बट इस पर आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा कि किस तरह से है। और बहुत ही अच्छा सा रैप है ये, और बहुत ही अच्छा कूल रैप लगा मुझे, बहुत ही ठीक रैप है, अच्छा ठीक ठाक रैप है और आराम से छूटेगा भी नहीं। और सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।